पिछली क्लास में देखो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। जो प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पढ़ा था उसको बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि ग्राउंड से फेंका था और ऑब्जेक्ट वापस ग्राउंड पे आके ही उसमें गिरा था। तो कौन कौन से फॉर्मूले थे वो थोड़ा देख लेते हैं। पहला जो फॉर्मूला है रेंज का फॉर्मूला कि कितनी दूरी पे जाके प्रोजेक्टाइल गिरेगा, तो वो फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, या फिर टू यू एक्स यू वाई अपॉन जी भी आप लिख सकते हो। दूसरा फॉर्मूला इसमें आप याद रखो मैक्सिमम हाइट का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, ये मैक्सिमम हाइट जो अटेन करता है ना प्रोजेक्टाइल उसका फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था टाइम ऑफ फ्लाइट का था टू यू साइन थीटा अपॉन जी, जिसको आप टू यू वाई अपॉन जी भी लिख सकते हो, और इस वाले फॉर्मूले को अगर वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी भी लिख सकते हो। फोर्थ इसमें हमने ये पढ़ा था जो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री है वो थी वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस वन बाय टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिफ्थ हमने ये पढ़ा था कि आफ्टर टाइम टी जो प्रोजेक्टाइल है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो आफ्टर टाइम टी जो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है वो तो यू कॉस थीटा ही रहती है प्रोजेक्टाइल की, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है जो कि होती है यू साइन थीटा माइनस जी टी के बराबर। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आती है वो आती है यू कॉस थीटा स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आफ्टर टाइम टी अगर वो कैलकुलेट करना हो, तो जो प्रोजेक्टाइल है जब वो जा रहा होता है पैराबोलिक पाथ के ऊपर, पाथ कैसा होता है प्रोजेक्टाइल का पैराबोलिक, तो जब वो पैराबोलिक पाथ के ऊपर जा रहा होगा तो आफ्टर टाइम टी एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्टेंस वो कवर करेगा वो होगा यू कॉस थीटा इंटू टी के बराबर, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्टेंस कवर करेगा वो होगा यू साइन थीटा इंटू टी माइनस वन बाय टू जी टी स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसका अंडर रूट करने पे आपको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलता है। मैं एक्स भी लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्स होगा यू कॉस थीटा इंटू टी आफ्टर टाइम टी जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा वही होगा, और वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होगा यू साइन थीटा इंटू टी माइनस वन बाय टू जी टी स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री है इसको हमने एक और तरीके से लिखा था, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस एक्स बाई आर, आर मतलब रेंज, रेंज के टर्म्स में फॉर्मूला लिखना हो तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। फिर कुछ स्पेशल केस आपको बताए थे फोर आर मैक्स, रेंज अगर मैक्सिमम चाहिए तो थीटा कितना रखना पड़ेगा 45 डिग्री रखना पड़ेगा, 45 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्टाइल को थ्रो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको ये बताया था कि अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को थीटा या फिर 90 माइनस थीटा एंगल पे आप थ्रो करते हो तो उसकी रेंज सेम आएगी, सेम रेंज के लिए क्या करना है थीटा और 90 माइनस थीटा, जैसे 30 डिग्री और दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस 30 यानी 60। अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल पे सेम वेलोसिटी से आप थ्रो करते हो तो वो सेम रेंज कवर करेंगे, सेम डिस्टेंस पे जाके गिरेंगे, हाइट अलग अलग होगी वैसे उनकी लेकिन रेंज सेम आएगी, ठीक है। जब प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पे होता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है मैक्सिमम हाइट पे जब वो होता है, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होती है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर काम कर रहा होता है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो अपनी मैक्सिमम हाइट पे जो प्रोजेक्टाइल है जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा तो उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इनके बीच का एंगल 90 डिग्री बनेगा। और एक चीज और याद रखो कि जब भी आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हो तो जिस एंगल पे आपने फेंका उसी एंगल पे वापस जाके गिरेगा, यहां से अगर थीटा एंगल पे फेंका है तो जब वापस गिरेगा तो हॉरिजॉन्टल से ही वापस थीटा एंगल बना चुका होगा, ठीक है। और अगर पूछे कि इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया तो वो भी आपको बताया था, तो जो चेंज इन वेलोसिटी है डेल्टा वी वो बराबर आता है माइनस टू यू साइन थीटा के बराबर, याद आया क्या। इसके दो कंपोनेंट करेंगे ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रहेगा उसमें तो कोई चेंज आता ही नहीं है, वर्टिकल कंपोनेंट और वेलोसिटी पहले ऊपर की तरफ थी और बाद में होगी नीचे की तरफ, यानी कि पहले यू साइन थीटा ऊपर की तरफ होगा फिर यू साइन थीटा नीचे की तरफ, तो चेंज क्या होगा फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करोगे तो इसको नेगेटिव मिलेंगे यू साइन थीटा को, तो माइनस यू साइन थीटा माइनस ये वाला यू साइन थीटा तो माइनस टू यू साइन थीटा आएगा। और चेंज इन मोमेंटम पूछे तो
मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी लिख रहा हूँ इसको, ये इसको एम से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 2mu साइन थीटा, मतलब ये आ गया चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला। तो ये सारे फॉर्मूले आप याद कर लेना, इनको अच्छे से याद कर लोगे तो फिर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट क्वेश्चन कर लोगे आप। देखो क्वेश्चन दे रखा है, इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल बी डबल्ड कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट विल बी। ये बोल रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल उसको थ्रो किया जा रहा है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी उसको हमने डबल कर दिया, एंगल वही रखा है, तो बताओ वो जो हाइट कवर कर रहा है मैक्सिमम हाइट, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट का बताओ। एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होता है। क्या चेंज कर रहे हैं, थीटा सेम रखते हुए u को डबल कर रहे हैं, तो u को अगर आप डबल कर दोगे 2u कर दोगे तो 2u का स्क्वायर यानी कि 4u स्क्वायर बन जाएगा, मतलब जो हाइट है वो क्या आएगी, पहले से 4 गुना आएगी। आया समझ में, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, बी क्वाड्रपल्ट, क्वाड्रपल्ट का मतलब 4 टाइम्स होना, ठीक है, क्लियर है, नोट कर लो इसको, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल इज, ये एक रिजल्ट भी बना लेंगे अपन, वो आप याद भी रख सकते हो। इसने बोला कि हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट ये दोनों बराबर आ रही है किसी प्रोजेक्टाइल के लिए, बताओ उसको कितने एंगल पे थ्रो किया गया होगा। तो जो हिंट इसने दिया वो यही है, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट ये दोनों क्या है, बराबर है। रेंज और मैक्सिमम हाइट जो उसने कवर करी है वो दोनों क्या है, इक्वल। रेंज का फॉर्मूला लिख दो, क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2θ/g, और मैक्सिमम हाइट का क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक। यहाँ पे जो साइन 2θ उसको 2sin θ cos θ भी लिख सकते हो, यू स्क्वायर तो कैंसिल ही कर दो, और इसको लिख दो साइन 2θ को 2sin θ cos θ, जी भी उड़ा दो, ठीक है, इधर आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब दोनों साइड में एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन थीटा ये कॉस थीटा इसके नीचे लिख दो, 2 को इधर ले आओ, तो ये आएगा 4 इक्वल टू sin θ/cos θ यानी कि 10θ, तो 10θ क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो थीटा क्या आएगा बोलो, 10 inverse 4, ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जी, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। ऐसे ही आपको एक और क्वेश्चन बना के दे सकता है कि रेंज डबल है मैक्सिमम हाइट का, रेंज √3/2 टाइम्स है मैक्सिमम हाइट का, ऐसे मतलब कुछ भी बना देगा, तो बस आपको बस वो हिंट दे रखा वो पकड़ना, उसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो उसको। अब ये रिजल्ट भी आप याद रख सकते हो कि जब भी रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर होती है तो थीटा होता है 10 inverse 4, तो सीधा टिक कर लेंगे अगर याद रहेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेंज ऑफ ए पार्टिकल व्हेन लॉन्च एट एन एंगल 15° विद द हॉरिजॉन्टल इज 1.5 किलोमीटर, व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च एट एंगल 45° टू द हॉरिजॉन्टल। 15° एंगल पे फेंकेंगे तो 1.5 किलोमीटर दूर जाके गिरेगा, तो पूछ रहा 45° एंगल पे फेंकेंगे तो कितने दूर जाके गिरेगा, ये रेंज पूछिए आपको। तो रेंज वाला जो फॉर्मूला वो लगाना है सिंपल सा, आर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2θ/g। पहले केस में रेंज आपको दे रखी है 1.5 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे हम रेशो में सारी चीजें कैंसिल कर देंगे, इसलिए मैं बाकी चीजों की यूनिट चेंज नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज ही लिख रहा हूँ। यू को मैं यू स्क्वायर ही रखूंगा, साइन 2 × 15°, तो साइन 30° बन जाएगा ये, डिवाइडेड बाई जी, तो ये कितना आया, यू स्क्वायर साइन 30 कितना होता है, 1/2, ये पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन बनाओ सेकंड केस के लिए, उसमें रेंज मान लेते हैं आर डिश इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, और एंगल 45° पुट कर दो तो 2 × 45, ये 90° बन जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई जी, कितना आएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो आपस में, तो बाकी चीजें रेशो में कैंसिल, इधर आर डैश अपॉन 1.5 आएगा, डिवाइड करेंगे तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर रहा हूँ, और 1/1/2 यानी कि ये 2 आएगा, तो आर डैश कितना आएगा, 3 किलोमीटर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो, बोलो आया क्या समझ में, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान वाले चल रहे हैं अभी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड
2 seconds later, it just clear a wall 5 meter high. The angle of projection of the stone is. ये बोला कि 2 सेकंड बाद में वो 5 मीटर ऊंची किसी दीवार को क्रॉस करके जा रहा है. कैसे जा रहा होगा ये प्रोजेक्टाइल? अब ये नहीं बोला कि ये मैक्सिमम हाइट पे ये इसको क्रॉस कर रहा है. 5 मीटर हाइट की कोई दीवार है, उसको क्रॉस करके जा रहा है 2 सेकंड बाद में. मान लो ऐसे जा रहा होगा प्रोजेक्टाइल. तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू है. दे रखिए क्या इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड दे रखिए. 2 सेकंड बाद में मान लो यहाँ पे कहीं पहुंच गया और यहाँ पे एक दीवार है, उसको जस्ट ये क्लियर करके जा रहा है, उसको क्रॉस करके जा रहा है एट टी इक्वल टू 2 सेकंड. तो ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा, ये आपको पूछा जा रहा है. तो ये दीवार की ऊंचाई दे रखिए 5 मीटर, यानी कि 2 सेकंड बाद में ये 5 मीटर ऊंचाई पे पहुंच गया. एक चीज बताओ कि जब इसको फेंका होगा तो इनिशियल जो वेलोसिटी है उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना रहा होगा? यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना रहा होगा? तो ये थीटा है, इधर जो कंपोनेंट आता है वो आता है यू कॉस थीटा, इधर जो आता है वो आता है यू साइन थीटा. यू की वैल्यू 25 दे रखी, यानी कि आएगा 25 sin थीटा. और यहां पे जाके ये 2 सेकंड बाद में एक दीवार को क्रॉस कर रहा है जो कि 5 मीटर ऊंची है. तो आपको वाई एक्सिस के अलोंग इसका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है कि 2 सेकंड बाद में ये 5 मीटर ऊंचा पहुंच जाएगा, तभी तो इसको क्लियर कर पाएगा. ये दीवार कितनी ऊंची है? 5 मीटर. इसका मतलब 2 सेकंड बाद में ये 5 मीटर ऊंचा चला गया. ऐसे जाते जाते ये 5 मीटर ऊंचा चला गया. तो वाई एक्सिस के अलोंग इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 मीटर. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 25 sin थीटा. ठीक है. और ऊपर जाते टाइम पे एक्सेलरेशन क्या लेते हैं हम? नेगेटिव, माइनस जी लेना है. तो यहां पे हम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज करेंगे. जो सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है उसको लगा रहा हूं वाई एक्सिस के लोंग. एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसको वाई एक्सिस के लोंग लगाया मैंने. तो वाई एक्सिस के लोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 5 मीटर. इनिशियल वेलोसिटी है 25 sin थीटा into 2, मतलब टाइम की वैल्यू 2 सेकंड है. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 पुट करेंगे, इसलिए मैंने माइनस लगाया यहाँ पे. into 10 और into 2 का स्क्वायर. सॉल्व कर लो इसको. 5 इक्वल टू ये आएगा 25 और 2 यानी कि 50 हो गया. ये 50 sin थीटा, ये आ गया 50 sin थीटा. और ये कितना आएगा माइनस का 20, ये इधर जाएगा. तो आएगा 25 इक्वल टू 50 sin थीटा. बताओ साइन थीटा कितना आया? 1/2 थीटा आ गया 30 डिग्री. यानी कि 30 डिग्री एंगल पे आपने इसको थ्रो किया होगा. पहला ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा. आया समझ में? क्लियर एकदम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी. If one is projected at an angle of 30 degree and the other at angle 60 degree to the horizontal, the ratio of the maximum height reached is. जो maximum height cover हो रही है दोनों bodies के through, उनका ratio आपको बताना है. एक को हमने 30 degree angle पे project किया और एक को 60 degree angle पे project किया. ठीक है. जो maximum height cover होगी उनका ratio बताना है. एक चीज याद रखना है कि जब भी आप किसी भी projectile को same velocity से ऐसे दो angles पे फेंकते हो जिनका सम 90 degree बन रहा है. जैसे यहाँ पे 30 और 60 का एंगल जो सम है वो क्या बन रहा है? 90 डिग्री. तो रेंज बराबर आएगी. रेंज क्या होगी? इक्वल. लेकिन हाइट अलग अलग होंगी, है ना. हाइट अलग अलग होंगी. क्यों? क्योंकि आपने अलग अलग एंगल पे थ्रो किया है. एक को 30 डिग्री एंगल पे, एक को 60 डिग्री एंगल पे. तो रेंज तो बराबर है. एक को 30 डिग्री एंगल पे फेंका और एक को 60 डिग्री एंगल पे फेंका, तो रेंज बराबर आएगी. इनिशियल वेलोसिटी सेम रखी है लेकिन हाइट अलग अलग आएंगी. ये हाइट अलग होगी h1 मान लो, ये हाइट अलग होगी इसको h2 मान लो. तो आपको पूछा कि h1 और h2 का रेशियो क्या होगा. तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. जो चीजें कांस्टेंट है उनको आप प्रोपोर्शनलिटी में हटा भी सकते हो. वैसे यहां पे डायरेक्टली आप देखोगे कि h किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? साइन स्क्वायर थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है. इससे थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी अपनी. यू स्क्वायर और 2g ये तो कॉन्स्टेंट रहेंगे दोनों केस में, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हमेशा ही सेम होता है, 2 कांस्टेंट है, इसलिए सारी चीजें कांस्टेंट. तो आप लिख सकते हो h1 अपॉन h2 बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा 1 यानी कि 30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा 2 यानी कि 60 डिग्री. तो बताओ क्या आएगा सॉल्व करोगे? तो साइन 30 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, और साइन 60 √3/2 उसका स्क्वायर होगा. सॉल्व करोगे तो
ये 1 बाई 4 बनेगा, ये 3 बाई 4 बनेगा, 4 से 4 कैंसिल होके 1 बाई 3 अपना फाइनल आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, रेशो होगा हाइट्स का 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 10 सेकेंड, रेंज इज 500 मीटर, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय इट विल बी। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी? जो जो दे रखा है पहले लिख लेता हूं मैं। यहां पे पहली चीज दे रखी है इसने टाइम ऑफ फ्लाइट टी। अगर टी को थीटा के टर्म्स में लिखेंगे तब तो फॉर्मूला होगा 2u sin θ / g, और अगर ux या uy के टर्म्स में लिखेंगे तो ये लिखेंगे 2uy/g। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दे रखा है? 10 सेकेंड दे रखा है, 10 दे रखा है ये, तो ये मैंने 10 के बराबर लिख दिया। ठीक है, फिर रेंज का जो फॉर्मूला है, रेंज का फॉर्मूला होता है वैसे तो u² sin 2θ / g, और ux uy के टर्म्स में लिखते हैं तो 2ux uy/g, ये फॉर्मूला है रेंज का, और ये दे रखिए 500 मीटर। ठीक है जी, आपको मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय इट विल बी, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? अब ux uy के टर्म्स में आप लिख रहे हो तो बताओ क्या फॉर्मूला होगा? वैसे तो होता है u² sin²θ / 2g, लेकिन अगर uy के टर्म्स में लिखोगे तो uy² / 2g लिखेंगे उसको। ये पूछा आपको, ये वैल्यू पूछी जा रही है। अब देखो पहली जो इक्वेशन है उसमें आपको पता है कि 2uy/g ये 10 के बराबर है, तो g की वैल्यू आपको पता ही है, तो ये uy यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। पहले यही कैलकुलेट कर लो, uy इक्वल टू क्या आएगा? g यानी 10, 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दो इस वाले 10 से, 2 से डिवाइड कर दो, ये आएगा 50 मीटर पर सेकेंड। और अब इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर रहा हूँ, तो h आपको पूछा जा रहा है, तो ये आएगा 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 10। क्या आएगा सॉल्व करने पे? ये आएगा 2500, और ये आएगा 20 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 125 आ रहा है क्या? ये आएगा सॉल्व करने पे 125 मीटर, ये अपना फाइनल आंसर। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा इसके अंदर। समझ में आया क्या? मैंने थीटा वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया इसमें? क्योंकि थीटा गिवन नहीं है। आसान आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल टू ए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर विद द सेम एफर्ट। सेम एफर्ट का मतलब है कि उतनी ताकत लगा के उसको फेंकना है। विद द सेम एफर्ट ही थ्रोज द बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल इज। सेम ताकत से फेंक रहा है, इसका मतलब सेम स्पीड से फेंकेगा वो। इसने बोला मैक्सिमम दूरी पे जाके वो बॉल गिरी है, इसका मतलब उसने 45 डिग्री एंगल पे फेंका होगा, क्योंकि जब भी किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री एंगल पे थ्रो किया जाता है तभी वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा 45 डिग्री है, ये हमको क्वेश्चन से समझना है, और मैक्सिमम दूरी कितनी है? ये 100 मीटर है। तो रेंज वाला फॉर्मूला लगेगा, आर मैक्स बराबर होता है, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2θ, में थीटा जब 45 डिग्री पुट करते हैं तो वो sin 90 बन के 1 बन जाएगा, अपॉन में जी। u² sin 2θ / g होता है ना फॉर्मूला, उसमें थीटा 45 पुट करोगे तो sin 2 × 45, वो क्या बन गया? sin 90, जो कि 1 होता है, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं है। ये मैक्सिमम रेंज की वैल्यू आ गई अपने पास में, समझ में आई? अब आपको इसने बोला कि मैक्सिमम रेंज है 100, ये g क्या है? 10 के बराबर है, इसको इधर लिख लेते हैं, n × 10 = u², तो u क्या आएगा अपने पास? अंडर रूट कर दो तो आएगा 10√10 m/s के बराबर, मतलब इतनी स्पीड से वो बॉल को फेंक सकता है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल अपने पास आ गई, अब उसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में उसको थ्रो करना है, तो कितनी ऊंचाई तक वो जा पाएगी? इस बार हाइट पूछी, और कैसे फेंका इसने? सीधा ऊपर की तरफ फेंका है, तो सीधा ऊपर की तरफ फेंकेगा तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास आ गई, ऊपर जाते टाइम पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी लेंगे। अच्छा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बॉल की? 0, है ना? तो आपको इक्वेशन लगानी चाहिए v² - u² = 2as, y एक्सिस के अलोंग लगाएंगे इस इक्वेशन को, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10√10, और इसका स्क्वायर कर दो इक्वल टू, ऊपर जाते टाइम पे g की वैल्यू -10 लेनी है, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा y एक्सिस के अलोंग? उसको मैं h बोल देता हूँ यहाँ पे, जो हमें कैलकुलेट करना है। तो h कितना आएगा सॉल्व करोगे तो? h इक्वल टू इधर तो बन जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई, ये माइनस में आएगा तो ये वाला माइनस उससे कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 20, कितना आएगा? 50 मीटर, यानी कि 50 मीटर ऊंचाई तक वो इसको फेंक पाएगा। वैसे तो वो 100 मीटर दूरी पे फेंक देता है, लेकिन उसी बॉल को अगर वो मैक्सिमम हाइट पे फेंक रहा है तो
जस्ट हाफ हाइट पे फेंक पाएगा। ये भी रिजल्ट याद रखने वाला है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम इतनी दूरी पे फेंका जाता है तो उसी ऑब्जेक्ट को उतनी स्पीड से मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है, तो जस्ट हाफ। 100 मीटर दूरी पे जा रहा है तो 50 मीटर ऊंचाई पे जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नीट में आया हुआ 2013 में। द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज 2ik+3jk मीटर पर सेकेंड। इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट बी विल बी। ए पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कितनी है 2ik+3jk, तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वर्बली कर सकते हैं इसको। बताओ आंसर क्या होगा। देखो जब इसको फेंका गया होगा तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कभी चेंज होता नहीं है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का दे रखा है 2ik, एक्स एक्सिस के लोगे ना, इसलिए मैं इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल रहा हूँ। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है इसका 3jk। जब ये यहाँ पे जाके गिरेगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा यानी कि 2ik ही रहेगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ हो जाएगा तो -3jk इसको लिखना पड़ेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर यहाँ पे 2ik+3jk लिखी जा रही है तो फाइनल वेलोसिटी v क्या लिखी जाएगी, 2ik-3jk लिखी जाएगी। आया समझ में? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज। ये बोल रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसको हमने थ्रो किया, ये ऐसे जा रहा होगा और यहां पे जाके कहीं गिरा होगा, यहां से फेंका है, इनिशियल वेलोसिटी यू मान लेते हैं, थीटा एंगल पे फेंका गया। क्या क्या दे रखा है? थीटा दे रखा है 45 डिग्री, 45 डिग्री एंगल पे थ्रो किया हमने, और एलिवेशन एंगल आपको पूछा जा रहा है। ये एलिवेशन एंगल कौन सा होता है? ये बोला कि जब प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा यहाँ पे, तो जो ऑब्जर्वर है जो कि यहाँ पे इनिशियल पॉइंट पे खड़ा होकर इसको देख रहा होगा तो उसको ये कितने एंगल पे दिखाई देगा, उसी को बोलते हैं एलिवेशन एंगल। ये जो प्रोजेक्टाइल है अभी यहाँ पे है तो इनिशियल पॉइंट को इससे मिला दो, मिला दिया तो हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल आएगा इसको मैं अल्फा बोल रहा हूं, इस अल्फा एंगल को हम बोलते हैं एलिवेशन एंगल। हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, वो ऐसा गया होगा वो, लेकिन अभी जहां पे है वहां पर वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे दिखाई दे रहा है, इसी एंगल का नाम क्या है, एलिवेशन एंगल। अब ये एक एंगल आपको पूछा जा रहा है, बिल्कुल आसान है। देखो अभी ये कहाँ पे है, क्वेश्चन में बताया गया है अपनी मैक्सिमम हाइट पे है, ठीक है, और ये वाली दूरी कितनी है, ये दूरी यहां से यहां तक की टोटल दूरी क्या होती है, रेंज आर के बराबर, तो ये कितना है, R/2 है ना, ये तो आया समझ में, ये एच है और ये R/2 है। एंगल एल्फा के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, बताओ क्या रिलेशन है दोनों में, टेन एल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि एच डिवाइडेड बाई बेस यानी कि R/2, टू ऊपर चला जाएगा तो टेन एल्फा अपने पास आएगा 2H/R। अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं यहां पे, एच की वैल्यू क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये मैंने एच की वैल्यू लिखी है, डिवाइडेड बाई करेंगे रेंज, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2θ डिवाइडेड बाई जी। थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, टेन एल्फा बराबर, देखो यू स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल, ये जी भी कैंसिल, ये 2 भी कैंसिल, तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर तो, और नीचे क्या बचेगा, साइन 2θ बचेगा, ये बचेगा ना, साइन 2θ को आप क्या लिख सकते हो, ये जो साइन 2θ इसको क्या लिख सकते हो, 2sin θ cos θ, तो एक साइन थीटा कैंसिल तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी कि आएगा 1/2 × tan θ। तो बताओ अल्फा क्या आया, ये टेन उधर जाएगा तो टेन इनवर्स और टेन थीटा बाई 2। अच्छा थीटा की वैल्यू यहां पे 45 डिग्री दे रखी है, वो पुट करनी पड़ेगी तब जाके फाइनल आंसर आएगा। चलो टेन इनवर्स टेन 45 कितना होता है, 45 डिग्री एंगल पे फेंका ना तो टेन 45 1 तो 1/2, तो आंसर है टेन इनवर्स 1/2, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। आया समझ में?
समझ में आया क्या एलिवेशन एंगल क्या चीज है? एलिवेशन एंगल का मतलब है हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर दिख रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी वी मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। व्हेन द पार्टिकल लैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन इट्स मोमेंटम विल बी। सीधा सीधा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। जब भी प्रोजेक्टाइल फेंका जाता है किसी भी जगह से और वापस उसी लेवल पे आके गिरता है, उसी लेवल पे अगर ये वापस आके गिरता है तो इसका जो मोमेंटम है उसमें चेंज आता है डेल्टा पी इक्वल टू माइनस टू एम यू साइन थीटा के बराबर। ठीक है, ये माइनस सिंबल ये बताता है कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में। जैसे ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इसका अगर आप वर्टिकल कंपोनेंट लोगे इनिशियली तो वो ऊपर की तरफ आएगा, और जब ये फाइनली यहाँ पे गिरेगा तो इसका जब वर्टिकल कंपोनेंट लोगे वेलोसिटी का तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि जितने एंगल पे इसको फेंका गया है उसी एंगल पे जाके वापस गिरा है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट है उसी के बराबर होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है इसलिए वो माइनस का सिंबल आता है। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, अगर मैं इसको वैसे लिखूँ तो जे के भी लिखना चाहिए साथ में, तब ये माइनस सिंबल का कुछ मीनिंग निकलेगा। तो डेल्टा पी यानी कि मैग्नीट्यूड आपको पूछा जाए तो आपको सिर्फ 2mu साइन थीटा ये फॉर्मूला यूज करना है। थीटा कितना है यहाँ पे 45 डिग्री दे रखा है, तो साइन 45 क्या होगा 1/√2, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा √2m(u) आएगा। u की जगह v का सिंबल इसने यूज किया है, एक ही बात है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया क्या भाई? वो जो चेंज इन मोमेंटम है वो फॉर्मूला तो डायरेक्टली आप याद रखो तो बढ़िया है, सीधा वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। इनिशियल वेलोसिटी इधर है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज होता नहीं है, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है। पहले ये ऊपर की तरफ होगा यू साइन थीटा, बाद में ये यू साइन थीटा नीचे की तरफ होगा, ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव में लेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वो बाद में कितनी है माइनस यू साइन थीटा इंटू जे कैप। तो चेंज में हमेशा फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस करते हैं, तो माइनस u sin थीटा jk में से u sin थीटा jk माइनस करोगे तो माइनस 2u sin थीटा jk आएगा, और मोमेंटम के लिए m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो मैंने चेंज ऑफ वेलोसिटी का बताया आपको, ये सीधा याद रख लोगे तो ज्यादा बढ़िया है। चेंज इन वेलोसिटी पूछे तो m हटा देना, माइनस 2u sin थीटा jk, और अगर चेंज इन मोमेंटम पूछे तो माइनस 2mu sin थीटा jk। आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रोजेक्टाइल्स ऑफ सेम मास एंड विद सेम वेलोसिटी आर थ्रोन एट एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देन व्हिच विल रिमेन सेम। तो उनके लिए क्या चीज सेम होगी? देखो दो प्रोजेक्टाइल हैं, उनको अपने फेंका है कितने कितने एंगल पे, एक को 60 डिग्री एंगल पे और एक को 30 डिग्री एंगल पे। क्या इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा है? हाँ जी 90 डिग्री आ रहा है। तो ये तो एक स्पेशल केस हो गया, जब किसी भी प्रोजेक्टाइल को थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल पे फेंका जाता है सेम वेलोसिटी से तो उनकी रेंज सेम होती है। क्या सेम होगा? रेंज सेम होगी। तो यहाँ पे क्या चीज सेम आएगी? रेंज। तो कौन सा है? बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखना है वो अलग अलग हाइट कवर करेंगे, उनको टाइम भी अलग अलग लगेगा, जहां से चले हैं वहां से वापस उसी लेवल पे आने में टाइम भी अलग अलग लगेगा, हाइट भी अलग अलग कवर करेंगे, लेकिन उनकी रेंज हमेशा बराबर होगी। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल डायरेक्शंस विद सेम स्पीड वी, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑन द ग्राउंड ऑन विच दीज बुलेट्स विल स्प्रेड। ये बोल रहा है कि ग्राउंड के ऊपर वो एरिया बताओ जहां पे ये बुलेट्स बिखरी हुई रहेंगी। बुलेट्स को कैसे चलाया जा रहा है? तो हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा एंगल पे हम फायर करेंगे ताकि वो काफी दूरी तक जाके गिरे, और आपको ये भी पता है कि चारों तरफ आपको बुलेट चलानी है और मैक्सिमम दूरी पे बुलेट्स को फायर करने के लिए आपको कितने एंगल पे बुलेट को फायर करना चाहिए? 45 डिग्री एंगल पे, तभी आपको रेंज मैक्सिमम मिलेगी। तो मान लो यहां से हम गन से बुलेट्स फायर कर रहे हैं, हमने एक बुलेट इधर फायर करी 45 डिग्री एंगल पे, वो यहां पे जाके गिरी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना रखा हमने? 45 डिग्री रखा, ताकि मैक्सिमम दूरी पे ये बुलेट्स जाके गिरे। वी वेलोसिटी से बुलेट्स को फायर किया जा रहा है, तो 45 डिग्री एंगल के ऊपर हमने बुलेट को फायर किया, वो यहाँ पे जाके गिरी, फिर इधर फायर किया। इससे अगर आप कम या ज्यादा एंगल पे बुलेट को फायर करोगे तो
तो जो रेंज होगी वो कम मिलेगी आपको। मैक्सिमम रेंज के लिए आपको एंगल क्या रखना पड़ता है, 45 डिग्री रखना पड़ता है। ऐसे आप चारों तरफ बुलेट्स को फायर करोगे तो मैक्सिमम दूरी पे जो बुलेट जाके गिर रही होंगी इस तरीके से, इधर इधर इस तरीके से चारों तरफ, तो वो जब आप एंगल को 45 डिग्री रखोगे तभी जाके गिरेंगी। बाकी अगर आपने एंगल को 45 से कम या ज्यादा रखा, 0 से 90 के बीच में 45 के अलावा कुछ एंगल रखा, तो रेंज हमेशा कम मिलेगी आपको। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो चारों तरफ अगर आप इस तरीके से बुलेट्स फायर कर रहे हो तो ऐसे एक सर्कल जैसा बन जाएगा, और उस सर्कल की रेडियस किसके बराबर होगी, रेडियस होगी इस हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर। आया समझ में? 45 डिग्री एंगल पे बुलेट को फायर करने पे जो रेंज आपको मिल रही होगी वही इस सर्कल की रेडियस होगी। तो आपको पूछा है कि सर्कल का एरिया बताओ, तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर किस गई, ये रेंज लेनी है आपको, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। रेडियस किस गई, मुझे ये रेंज लेनी है। रेंज का फॉर्मूला बताओ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू की जगह वी का सिंबल यूज करना है इनिशियल वेलोसिटी के लिए, तो हम लिखेंगे वी स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा 45 डिग्री रखा है मैंने मैक्सिमम रेंज के लिए, अपॉन में जी। बस थीटा की जगह 45 पुट कर दो और यू की जगह वी का सिंबल यूज कर लो। आंसर क्या आएगा सॉल्व करने पे, इसका स्क्वायर भी करना है, सॉल्व करने पे आएगा पाई वी की पावर 4 साइन 91 बन जाएगा ये, और डिवाइडेड बाई जी, स्क्वायर होगा भाई यहाँ पे, ये जी का स्क्वायर लेना है, तो ये जी स्क्वायर पाई वी पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आया क्या समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज वाई इक्वल टू 16x - 5x² / 4, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज। तो रेंज आपको पूछी जा रही है, पहले तो ये इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन दे रखी है, वाई इक्वल टू 16x - 5x² / 4। रेंज आपको पूछ रहा है, यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये आपको जो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री दे रखी है इसी में वैल्यूज पुट करके हम रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, मान लो कि प्रोजेक्टाइल को आपने यहां से थ्रो किया विद इनिशियल वेलोसिटी यू किसी थीटा एंगल के ऊपर, और ये यहां पे जाके गिरा, ठीक है। इस डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं और ये हो गई अपनी वाई एक्सिस, ठीक। तो एक्स और वाई के बीच में, एक्स वाई प्लेन के अंदर जब ये प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा होगा तो ये उसकी इक्वेशन है। यहां से जब ये चलना स्टार्ट करेगा तो इस इनिशियल पॉइंट को मैं ओरिजिन मान लेता हूं, ये कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ये कितनी दूर होगा एक्स एक्सिस पे, तो इस प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है उतनी दूरी पे होगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया आर यानी कि रेंज के बराबर, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया यहां पे, जीरो, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे आ गया वापस, ऐसे गया वापस एक्स एक्सिस पे आ गया, तो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा रेंज के बराबर और वाई कोऑर्डिनेट होगा जीरो। आया समझ में? तो अगर मुझे रेंज कैलकुलेट करनी है तो इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग अगर मैं इस इक्वेशन में एक्स की जगह तो आर पुट कर दूं और वाई की जगह जीरो पुट कर दूं, अगर मैं एक्स की जगह तो आर पुट कर दूं और वाई की जगह जीरो पुट कर दूं, क्योंकि वाई कब जीरो होगा, जब एक्स की वैल्यू आर के बराबर हो चुकी होगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एट दिस पॉइंट जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो आर के बराबर है और वाई की वैल्यू यहां पे जीरो हो चुकी है, बस ये यहां पे हिंट है, ये वैल्यू यहां पे इक्वेशन में पुट कर दो, सॉल्व कर लो। जैसे वाई की वैल्यू तो आपको जीरो लेनी है, एक्स की वैल्यू आर के बराबर माइनस फाइव आर स्क्वायर अपॉन फोर, सॉल्व कर लो, ये इधर ले जाओ, तो फाइव आर स्क्वायर अपॉन फोर इक्वल टू 16 आर, एक आर उड़ा दो दोनों साइड में, तो ये आएगा r इक्वल टू 64/5, पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12.8 मीटर। ये अपना d वाला ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। आया समझ में? सिंपल एकदम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी u, इट्स रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज। तो इसकी रेंज आपको पूछी जा रही है, क्या क्या हिंट दे रखा है इसने, मैक्सिमम हाइट पे जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होती है जब पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होता है, तो मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होती है यू कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। यहां से जब इसको थीटा एंगल पे फेंका जाता है यू स्पीड से, तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, यू कॉस थीटा। तो ये बोल रहा है कि ये जो यू कॉस थीटा है यानी मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी का हाफ है यानी कि u/2 के बराबर है,
ये इसने क्वेश्चन में बोला है, यू से यू उड़ा दो दोनों साइड में, तो कॉस थीटा 1/2 आ गया, मतलब थीटा कितना आया बोलो, 60 डिग्री। मतलब जो प्रोजेक्टाइल है उसको कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया होगा, 60 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया होगा। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास निकल के आ गई। ठीक है जी, अब इसने बोला है इट्स रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज, रेंज आपको पूछी जा रही है, तो थीटा अपने पास आ चुका है, रेंज वाला फॉर्मूला लगा दो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये रेंज का फॉर्मूला है, बस वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है इसको, साइन 2 × 60 ये बन जाएगा 120 डिग्री डिवाइडेड बाई जी, सॉल्व कर लो इसको, क्या आएगा रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर, और साइन 120 कितना होता है, देखो साइन 120 को आप साइन 90+30 लिख सकते हो, जो कि कॉस 30 के बराबर होगा, और कॉस 30 कितना होता है √3/2 के बराबर होता है, तो ये अपना आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इक्वेशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज वाई इक्वल टू √3x − gx² / 2, द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड इनिशियल वेलोसिटी इज, मतलब किस एंगल पे उसको प्रोजेक्ट किया गया है और इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है वो आपको बतानी है। देखो जो इक्वेशन दे रखी है वो है y = √3x − gx² / 2। सबसे पहला काम हम ये करेंगे, हम इसको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल से कंपेयर करेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होती है y = x tan θ − 1/2 gx² / u² cos² θ, ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। ठीक है, कंपेयर करो, y की जगह y है, x की जगह x है, और tan थीटा की जगह कौन आ गया, √3 आ गया, तो बताओ थीटा कितना आएगा इससे, थीटा आएगा 60 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया होगा। आगे कंपेयर करते हैं, यहां पे लिखा है gx² / 2, यहां पे लिखा है gx² / 2, यानी कि u² cos² θ की वैल्यू क्या है 1 के बराबर है, क्योंकि यहां पे देखो सिर्फ यही लिखा है gx² / 2, तो gx² / 2, इसके अलावा ये जो है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, यानी कि u² cos² θ 1 के बराबर होना चाहिए। अब थीटा की वैल्यू तो हम फाइंड कर ही चुके हैं, तो cos² 60 डिग्री = 1, cos 60 कितना 1/2, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा u² / 4 = 1, यानी कि सॉल्व करने पे u किसके बराबर आएगा, ये 4 इधर मल्टीप्लाई करोगे फिर अंडर रूट करोगे तो 2 m/s के बराबर आएगा। दोनों आंसर आ गए अपने पास, थीटा तो होना चाहिए 60 डिग्री और इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए 2 m/s के बराबर, ये अपना आंसर है।